स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के क्लासेस। आज हम सामान्य विज्ञान में रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न परमाणु संरचना से संबंधित होंगे, जो सभी कम्पिटेटिव एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? ए फैराडे, बी वोल्टा, सी अल्फ्रेड नोबेल या डी बोहर तथा रदरफोर्ड। इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, सही होगा। बोहर तथा रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का मॉडल जो है बोहर तथा रदरफोर्ड ने दिया था, और परमाणु संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो जॉन डाल्टन ने किया था। परमाणु संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन तथा परमाणु संरचना का मॉडल बोहर तथा रदरफोर्ड ने। इसका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा, बी परमाणु द्रव्यमान के द्वारा, या सी परमाणु भार द्वारा, या डी परमाणु क्रमांक के द्वारा। इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन सही होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। तत्वों की प्रकृति जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु अभाज्य है यह निम्न में से किसने प्रस्तावित किया? ए रदरफोर्ड, बी वर्जीलियस, या सी डाल्टन, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन सही है, डाल्टन ने। डाल्टन ने ही कहा था परमाणु अभाज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? एक जैसा चक्रण, बी विपरीत चक्रण, या सी कोई चक्रण नहीं, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा विपरीत चक्रण, बी ऑप्शन सही है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन। आणविक कक्षा का विन्यास किससे नियंत्रित होता है? प्रचक्रण क्वांटम संख्या, या बी द्विगुंशी क्वांटम संख्या, या सी मुख्य क्वांटम संख्या, या डी चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन सही है, चुंबकीय क्वांटम संख्या से आणविक कक्षाओं का जो है विन्यास को नियंत्रित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है? ए नाभिक, बी इलेक्ट्रॉन, सी प्रोटॉन, या डी न्यूट्रॉन। ये ऑप्शन सही होगा इसका, नाभिक। अल्फा कणों के प्रयोग से जो है वो बताया था कि परमाणु में नाभिक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया ए आइंस्टीन, बी पाउली, सी रदरफोर्ड, या डी हाइजेनबर्ग। इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन सही होगा, हाइजेनबर्ग। अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो परमाणु का आकार कम हो जाता है, या ऊर्जा का अवशोषण होता है, या सी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन होगा सही सी ऑप्शन सही होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? अल्फा कण, बीटा, या गामा, या एक्स किरण, किसका? इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, अल्फा। अगला क्वेश्चन। किसी तत्व के रासायनिक गुण न्यून में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, या डी उपर्युक्त सभी। राइट ऑप्शन होगा इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तत्व के रासायनिक गुण का जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है। चलिए अगला क्वेश्चन। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? गामा कण, बीटा कण, अल्फा कण, या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन सही, अल्फा कण। अगला क्वेश्चन। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है? किन प्रचक्रण होता है? ए न्यूट्रिनो, बी मेसान, सी इलेक्ट्रॉन, या डी प्रोटॉन। इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन सही है, न्यूट्रिनो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर, या न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, या न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, या डी न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। इसका सही ऑप्शन होगा
डी ऑप्शन सही होगा। परमाणु का रासायनिक व्यवहार जो है न्यूक्लियस के चारों घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? ए हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी लिथियम, इनमें से कोई नहीं। किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से वैज्ञानिक किसी मूल कण की खोज से जुड़े हैं? सी वी रमन, बी होमी जहांगीर भाभा, या सी सत्येंद्र नाथ बोस, या डी मेघनाथ साहा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सत्येंद्र नाथ बोस, जो मूल कणों की खोज से संबंधित हैं। ओके, थैंक यू।